हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इंद्रनील। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोलकाता क्रिएटिव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ आप घर पे पीसीबी बोर्ड मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फोटो पेपर पे एक जिसका डायग्राम मतलब जिस पीसीबी बोर्ड का तब पीसीबी तैयार करना चाहती है उसका डायग्राम आपको फोटो पेपर पे लेज़र प्रिंटर मतलब जिस प्रिंटर पे डस्ट कली होता है उस प्रिंटर पे आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो आप मेरे पास वो प्रिंटर नहीं है, मैं दुकान पे जाके प्रिंट करवा के लाया हूँ। अगर आपके पास आपको कोई फ्रेंड के पास है तो आपके पास है तो आप लेज़र प्रिंटर से फोटो पेपर पे प्रिंट करवा लीजिए। देखिए ये फोटो पेपर है, ओके। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पेपर का जो डिज़ाइन है इसको क्रॉप करके पूरा आपको काटना पड़ेगा। तो चलिए हम देख कैसे काट लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने इसको पूरा किनारे किनारे से एकदम काट लिया है डिज़ाइन को। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो चीज़ चाहिए सबसे बड़ी मतलब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो चीज़ की वो है कॉपर बोर्ड। यह है कॉपर का लेड बोर्ड, इसको आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ भूसा हुआ से खरीद के लेना है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, इस बोर्ड को एकदम रख के एक डिज़ाइन इसके बोर्ड के ऊपर रख के एकदम माप ले लेना है कि कहाँ से इसको काटना पड़ेगा, कितने साइज का आपका है। आपके पास मार्कर पेन ज़रूर होगा तो मार्कर पेन से आप इसको मार्क कर ले एकदम एडजस्टमेंट ठीक से ही करके। देखिए ये हमारा माप है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्केल लेंगे। उसके बाद स्केल से एकदम हम बढ़िया से इसको माप लेके काट लेंगे एकदम। थोड़ा सा बड़ा लग के काटना है क्योंकि इसको हम काटेंगे। उसके बाद देखिए ये पूरा एकदम इसका माप है, इसी माप पे हम इस बोर्ड को यहाँ से और यहाँ से काट लेंगे इस सॉ की मदद से, ओके। आप और कुछ भी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो काटने के लिए, पर मैं इस सॉ से ही काटूँगा, ओके। चलिए काटते हैं। तो हमने पूरा ये बोर्ड को किनारे किनारे से काट लिया है, आप देख सकते हो ये रहा कॉपर बोर्ड और ये रहा हमारा डिज़ाइन। तो हम देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन पूरा इसके ऊपर एकदम सही माप लेके काटा हुआ है। हम इसको रख देंगे, इसको हम किसी और प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूल इल है, स्टूल इल बोलते हैं इसको। इसको आप कोई भी शॉप पे आपको मिल जाएगा, कोई भी स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ पर जाके आपको इसको खरीदने के लेके आना है। उसके बाद स्टील उल की मदद से अच्छे से इसको इस बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं हम जब इसको घस जाए इसका ऊपर का जो मैल है वो पूरा साफ हो रहा है। तो आप देख सकते हो जितना तेल आप घसेंगे उतना अच्छा है। देख रहे हो हमने स्टील से यहाँ से इसको घस के दिया तो ये बहुत ही चमक रहा है एकदम। तो इसको अच्छे से साफ हमने कर दिया। उसके बाद आपको जो चीज़ करना पड़ेगा वो है आपको और एक चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, एक प्लाई का टुकड़ा कोई भी काट का एक टुकड़ा आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको इस बोर्ड को अच्छे से साफ करने के बाद आपको करना क्या है, ये जो पीसीबी बोर्ड है मतलब जो डिज़ाइन हमने किया है इस कॉपर बोर्ड के ऊपर, हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको अच्छे से एक बार पोंछ के साफ कर लेंगे कोई भी कपड़े से, ठीक है ना। ये साफ हो गया होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन को इस कॉपर बोर्ड के ऊपर उल्टा रख देंगे, ऐसे उल्टा, सीधा मत रखना, उल्टा रखना पड़ेगा। उल्टा रखने के बाद हम इस बोर्ड को यहाँ पर रखेंगे और आयरन की मदद से मतलब जिस आयरन से हम इस्त्री वगैरह करते हैं उसी आयरन की मदद से इसको इसके ऊपर हम करीब 15 मिनट तक हम इसको खींचेंगे अच्छे से। आप देख रहे हो ये जो पेपर है इसके ऊपर पूरा एकदम बोर्ड के ऊपर चिपक गया है, ऐसे ही इसको खींचना पड़ेगा 15 मिनट तक। अच्छे से आयरन से हम खींच जाए इसको तो 15 मिनट तक आपको खींचना पड़ेगा ऐसे। देखिए ये पूरा बहुत ही गर्म हो रहा है। एकदम पूरा खींचना पड़ेगा, तो देख रहे हो 15 मिनट तक हमने इसको खींचा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आयरन को साइड पे रख के
इसको देखेंगे, ये बहुत ही गर्म हो चुका है, एकदम बहुत ही गर्म है। थोड़ी देर के बाद हम थोड़ी देर रहने देंगे। तो अभी ये बहुत ही ठंड हो गया है, अभी भी थोड़ा सा गर्म है। तो उसके बाद एक छोटा सा नाइफ आपको लेना पड़ेगा, एकदम किनारा जो है उसको आहिस्ते से उसको ऐसे उठाना पड़ेगा। किनारा बोर्ड मेरा से गिर गया, इतना अभी भी गर्म गर्म है, इसके लिए गिर गया भाई। तो देख रहे हो ये पेपर में जो काला इंक था वो एकदम पूरा हमारा जो बोर्ड है उस पर चिपक गया है। तो आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा एकदम जो इंक था इस पेपर पे वो पूरा चिपक गया हमारे इस बोर्ड पे। तो हम देख रहे हैं एक चीज़, कुछ कुछ जगह पे इंक हट गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेरे पास जो मार्कर पेन है उस मार्कर पेन को लेंगे, लेके हम इस जगह को भर देंगे। ये देखिए इस जगह पे जो इंक हट गया, हम आप यहाँ पे मार्कर कल इसको ये कर देना, यहाँ पे भी इंक हट गया है। तो आप देख लिया मैंने जहाँ जहाँ से इंक हट गया वहाँ पे अच्छे से एकदम मार्करकारी से ठीक इंक को ठीक कर दिया। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ से मैं हमारा पेंट हट गया था हम वहाँ पे पूरा मार्कर से कम ठीक मतलब जगह पे भर दिया मार्कर काली से। तो आप भी ऐसा ही करना हट गया तो, और जल्दबाजी मत करना इस काम पे, एकदम ध्यान से करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का कोई भी जगह लेंगे जहाँ पे हम दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। इसको हम एक है नॉर्मल तेजाब जो हम बाथरूम वगैरह में वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वॉशरूम पे, वो वाला तेजाब आपको कोई भी हार्डवेयर के दुकान पे ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको और एक चीज़ चाहिए, वो है हाइड्रोजन प्रो ऑक्साइड। जो हाइड्रोजन प्रो ऑक्साइड है वो आपको कोई भी मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा, तो आप खुद ये दोनों चीज़ खरीद लेना भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टैक्सी है इसको हम इस कुछ इतना सा ले लेंगे जितना हमारा पीसीबी बोर्ड का साइज है उतना सा, ठीक है ज़्यादा मत लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये और एक चीज़, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है भाई, ये लोग ये चीज़ बच्चों के पहुंच से ज़रूर दूर रखना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम थोड़ी सी, और ग्लव्स भी आप पहन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर दिखा रहा है, इसके लिए मेरे पास ग्लव्स नहीं, इसके लिए नहीं पहना। तो आपके पास होगा तो आप ज़रूर ग्लव्स इस्तेमाल ज़रूर कर लेना। उसके बाद हम हाइड्रोजन इस पर डालेंगे थोड़ा सा, देखिए अब मैंने कितना सा डाला उतना सा ही अब डालना, ओके। इसके बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको आहिस्ते से इसके अंदर एकदम डुबा के इसको आहिस्ते से ऐसे नहाते जाएंगे करीब 15 मिनट तक। ऐसे हिलाते रहेंगे, ठीक। तो इसमें जल्दी से इसका जो रिएक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा, होना शुरू भी हो गया अभी, ठीक है। तो हम इसको हिलाते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा हाइड्रोजन और देंगे। We'll be right back.
आप देख रहे हैं इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया हमारा, जहाँ पे मतलब जो इंक है उस साइड का स्टार्ट छोड़ने के छोड़ के हर जो जगह है वहाँ पे कॉपर हटने लगा है। तो हम और थोड़ी देर इसको हिलाते रहेंगे। आप लोग देख रहे हो कॉपर पूरा इसमें घुल चुका है और थोड़ी देर पर मतलब हो ही गया है समझो, और थोड़ी देर हिलाने से पूरा जितना भी कॉपर है पूरा इसमें घुल जाएगा एसिड में। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो सर्किट बोर्ड है पूरा एकदम मतलब हो गया। आप लोग देख रहे हो ये इस जगह छोड़ के पूरा जिस साइड पे कॉपर मतलब लिंक है उस जगह छोड़ के पूरा साइड का कॉपर हट गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको अच्छे पानी से धो लेंगे। तो इसको हम अच्छे पानी से धो लेंगे, ये लगा पानी इसके अंदर अच्छे से डुबा के इसको हम धो लेंगे। उसके बाद कपड़ा लेंगे और इसको अच्छे से पोंछ देंगे। तो देख रहे हो पोछने के टाइम कुछ कुछ जगह पे उस जगह पे कालिंग इंक हटने लगा है, तो हम इस इंक को भी हटाएंगे तो देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों चीज़ को साइड से हटा लेते हैं। तो अब देख रहे हो कि मेरा जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये सूखने लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये थिनर है मेरे पास, थिनर की मदद से हम इसको जिसको हम नेल पर रिमूवर भी बोलते हैं इसकी मदद से हम इसको पूरा साफ कर लेंगे। ओके, तो देख रहे हो ये देखिए हम इसको थिनर की मदद से साफ कर रहे हैं। तो देख रहे हो तो इंक है वो पूरा पूरा हट जा रहा है, अच्छे से साफ करना पड़ेगा। एकदम अच्छे से साफ करना पड़ेगा इसको। अगर आप देख रहे हो कि थिनर की मदद से पूरा साफ नहीं हो रहा तो और एक का चीज़ है जिससे आप ये साफ कर सकते हो इंक। आप देख रहे हो मेरा कुछ कुछ जगह पे रह गया है, तो स्टील उल ने हमने काम किया था, उस स्टील उल की मदद से भी आप रगड़ने से तो जगह साफ हो जाएगा। आप देख रहे हो कि ये जगह भी साफ हो रहा है। देखिए ये ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि ये यहाँ से कॉपर हट सकती है। आहिस्ते से एकदम लगड़ के देखिए हमने इसका जो इंक था वो पूरा के पूरा बोर्ड से हटा लिया। आप देख रहे हो तो और एक बार आहिस्ते से एकदम ध्यान से इसको हम साफ कर लेंगे जैसे इसका जो इंक है वो हट जाए। देखिए हमारा जो बोर्ड है वो पूरा मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही किसी भी बोर्ड बना सकते हो अपने घर में, तो आपको दुकान से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डायग्राम है तो आप खुद घर पे बोर्ड बना सकते हो। उसके बाद हम ये जो होल है इस पर होल भी करेंगे, तो चलिए हम होल करके दिखाते हैं आपको कैसे होल करना है। तो फ्रेंड्स होल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, मैं पहला मेरा जो वीडियो है आप जानते हो मैंने एक पीसीबी ड्रिल बनाया था, हम उसी से इसको होल करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स हम इसको होल करेंगे इसी पीसीबी पे। अगर आपको ये वीडियो देखना है मैंने इसको कैसे बनाया तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हो या आई बटन पे भी देख सकते हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ओके, तो फिर चलिए हम होल करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो मेरा जो पीसीबी डील है मैं उसी की मदद से इसको होल कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो अच्छे से ये होल हो रहा है, ये देखिए। तो देखिए आप इसके होल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी होल हो गया, यहाँ पे ये देखिए इस टाइप आप देख सकते हैं। ये एक एलईडी का बोर्ड है, मैं इसको कैसे इस पे एलईडी लगाते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ आप कैसे तो चला सकते हो।
मेरा जो वीडियो है उससे होल हो गया है, देख सकते हो आप, ये रहा। ठीक है तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मैं समझ पाया कि आप घर में पीसीबी बोर्ड कैसे बना सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको भी ज़रूरत है तो आप घर पे भी पीसीबी बोर्ड बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम खर्चों पे आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कोशिश किया समझाने में कि आप पीसीबी बोर्ड कैसे बना सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।